प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक जातक की जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। आप इनकी जन्म की डिटेल्स देख पा रहे हैं। 18 जून सन 2008 का इनका जन्म है। अगर आप जन्म का समय देखेंगे तो वो है दोपहर में 2:10 का और जन्म स्थान फिरोजपुर पंजाब का है। इसके आधार पर जब आप इनकी कुंडली का निर्माण करेंगे तो इनकी कुंडली बनेंगी कन्या लग्न की और राशि बन जाएंगी वृश्चिक राशि। कन्या लग्न वृश्चिक राशि, देखा जाए तो राशि और लग्न के स्वामी आपस में मित्र नहीं होते। इस कारण से जीवन में थोड़ा संघर्ष का प्रभाव बढ़ जाता है, मेहनत बढ़ जाती है। ये बात अवश्य है कि कन्या लग्न में भी स्वभाव होता है कि किसी भी चीज को गहराई तक सीखना, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना, ज्ञान अर्जित करते रहना, ये इनके स्वभाव में भी देखने को मिल जाता है। साथ में एक बात ये भी है कि ये कन्या लग्न जो है मैनेजमेंट करने का लग्न है। सभी चीजों को सही प्रकार से मैनेज करके आगे बढ़ने वाला स्वभाव ये कन्या लग्न निर्मित करता है, जो कि व्यक्ति को जीवन काल में उन्नति देने का कार्य करता है। यहाँ पर आप यह भी देख पाएंगे कि इस कुंडली में इनकी जो ये वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि हो जाने से ये जरूर रहेगा कि इनके स्वभाव में परिवर्तन ज्यादा रहे, या फिर अधिक सोचने का जरूर स्वभाव रहे लेकिन थोड़ा चिड़चिड़ापन बढ़ जाए, आलस बढ़ जाए, ऐसी सब बातें कई बार सामने आ सकती है इस वृश्चिक राशि के आधार पर। बाकी हम पहले इनकी कुंडली के ग्रह योगों की बात करते हैं, फिर अन्य स्थिति पर इनके प्रश्नों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए इनकी जो कुंडली है, जैसा मैंने कहा कन्या लग्न की है, तो लग्न के स्वामी बुध बनते हैं जो कुंडली के भाग्य भाव में है। यहाँ पर दशम के स्वामी भी बुध ही बनते हैं, तो बुध का कुंडली के भाग्य भाव में होना जातक को भाग्यशाली बनाता है। ये न केवल स्वयं जातक के लिए बल्कि उनके पिता के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जातक के होने के बाद पिता के जीवन में भी तरक्की या ग्रोथ का प्रभाव बढ़ता देखा गया है। यानी जातक के लिए ये भाग्योदयकारी स्थिति है, जीवन काल में शुभ स्थिति है। पिता से इनको जीवन काल में जो भी सुख सुविधा चाहिए होंगी वो सब प्राप्त होंगी। और ये बुध चूंकि मतलब यहाँ आप देखते हैं कि केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में बैठा है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी यहाँ पर ये बुध निर्मित कर रहा है। वक्री हो जाने से इसके गुण में और अधिक वृद्धि हो जाएगी। जातक किसी भी चीज को जल्दी सीख जाएगा, मतलब इनका स्वभाव ये देखने को मिल सकता है कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक पढ़ाई करने का स्वभाव न रहे लेकिन थोड़ा पढ़े और अन्य के मुकाबले अच्छे नंबर ले आए, ऐसी बातें यहाँ पर ये वक्री बुध दर्शा सकता है, जो जातक के लिए अच्छा ही रहेगा, जीवन में आगे बढ़ाने वाला ही रहेगा। दूसरे नंबर पर आपने देखा कि ये जो बुध है ये यहाँ पर शुक्र की राशि में है। ये शुक्र कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी और कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी होकर कुंडली के दशम भाव में है। तो शुक्र यहाँ पर, शुक्र ने भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाया है। ये शुक्र भी जीवन काल में सुख सुविधा दिलाने वाले हैं। हालांकि शुक्र के कारण मैंने कहा है कि आपको कई बार शिक्षा से उतना लाभ नहीं होता या शिक्षा उतनी काम नहीं आती। ये जीवन में सुख सुविधा के लिए, तरक्की के लिए खराब नहीं है, बल्कि दूसरे का स्वामी दशम भाव से जुड़ जाए तो व्यक्ति को जीवन काल में अच्छी मात्रा में धन और अच्छी मात्रा में सुख देने का काम करता है। जातक अपने कार्य को बड़े स्तर पर ले जा पाता है और बल्कि कई बार घर परिवार में चलते आ रहे कार्य को भी आगे बढ़ाने वाला स्वभाव ये शुक्र दर्शाता है इस तरह की स्थिति में। लेकिन एक बड़े स्तर पर कार्य करने वाली स्थिति यहाँ पर निर्मित हो जाती है। बाकी एक बात बस इतनी आती है कि जो शुक्र है, जैसा मैंने कहा, शिक्षा के लिए, शेयर बाजार के लिए या फिर ऐसे ही आकस्मिक लाभ वाले क्षेत्रों के लिए अच्छा नहीं होता, ये इन सब क्षेत्रों में नुकसान करवाता है, ऐसा देखने को मिला है। तो ये शुक्र थोड़ा सा मतलब मध्यम या कमजोर कह सकते हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि चलो भाग्य का स्वामी है और भाग्य के स्वामी कुंडली के दशम भाव में, दशम भाव का स्वामी कुंडली के भाग्य भाव में, यानी बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन। जन्म कुंडली के सभी परिवर्तन के योग में नवम और दशम भाव के राशि परिवर्तन को सबसे अच्छा माना गया है, तो इस जातक के लिए सबसे बढ़िया एक राजयोग की स्थिति में आएगा कि यहाँ पर शुक्र बुध का परिवर्तन है। इसे धर्म कर्माधिपति योग तो कहते ही है, लेकिन ये जातक को जीवन काल में अच्छी तरह काम करना, ईमानदारी से काम करना और जीवन में परेशानियों से रक्षा करने वाला, बचाने वाला बनता है, जीवन में आगे बढ़ाने वाला बनता है। तो ये एक स्थिति यहाँ पर मतलब बहुत अच्छी है, जातक के लिए जीवन में सकारात्मक परिणाम को दर्शा रही है, तो इसे अच्छा कहा जाएगा। फिर जैसा मैंने कहा कि ये जरूर शुक्र यहाँ पर है, लेकिन ये भी एक बात आती है इसमें कि ये 6 डिग्री पर है और सूर्य के समीप होने के कारण अस्त भी हो गया है।
सूर्य भी इस कुंडली में यहीं पर है जो कुंडली के 12वें भाव का स्वामी है। अब 12वें भाव का स्वामी दशम से जुड़ जाए तो व्यक्ति को 12वें भाव से जुड़ी चीजों से लाभ होता है, मतलब 12वें भाव से जुड़ी चीज मतलब हॉस्पिटल से जुड़ के लाभ होता है, विदेश से जुड़ने पर लाभ होता है, जातक विदेश में जा सकता है, दूर स्थान पर जाकर कार्य करना, दूर स्थान से जुड़ना, उनसे लाभ व्यक्ति को अच्छा मिलता है। ये शुक्र भी हवाई यात्रा कई बार करवाता है और विदेश से लाभ भी करवाता है, तो जातक के लिए विदेश से जुड़ने के योग यहाँ पर अच्छे हैं। ये सूर्य भी बना रहा है, बाकी ये सूर्य से शुक्र अस्त हो गया है जिससे शुक्र के प्रभाव में थोड़ी कमजोरी देखने को मिलेगी जातक को जीवन काल में, मतलब थोड़ा आलस का प्रभाव ये शुक्र दे सकता है। और यही शुक्र जैसा मैंने कहा कि जो ज्यादा नकारात्मक होता है शिक्षा वगैरह के लिए उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, जातक के लिए अच्छे परिणाम को ये आगे बढ़ाने का काम करेगा। इस आधार पर बोल सकते हैं कि ये खराब तो नहीं है, आगे बढ़ाने की स्थिति में ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा धीमी गति से प्रभाव आए ऐसा देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी यहाँ पर मंगल होते हैं जो कुंडली के अष्टम के भी स्वामी होते हैं। तो तीसरे भाव का जो स्वामी है मंगल वो कुंडली के लाभ भाव में है, अष्टम का स्वामी होकर के लाभ भाव में है लेकिन अपनी नीच राशि में। अब ये अच्छी बात है क्योंकि कन्या लग्न में मंगल को अच्छा ग्रह नहीं मानते, या ये लग्नेश का शत्रु भी है, भाव भी इसे इतने शुभ नहीं मिले हैं, तो एक नकारात्मक ग्रह के रूप में मंगल को लिया जाता है। अब ऐसा मंगल कुंडली के आप देख रहे हैं कि लाभ भाव में भी है और ऊपर से नीच राशि में भी है, यानी दोनों ही प्रकार से शुभ हो गया, क्योंकि लाभ भाव में कोई ग्रह ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे नहीं पाता क्योंकि वो लाभ कराते रहता है, और नीच राशि में हो गया तो ये वैसे ही इसका निर्बली होना इस लग्न के लिए अच्छा है, तो ये परेशानियों से संघर्ष से रक्षा करेगा। अष्टम का स्वामी नीच राशि में हो जाए इस तरह की स्थिति में तो जातक के जीवन में संघर्ष की कमी करता है या संघर्ष से जातक को दूर करता है, यानी जीवन में आसानी सबको दिलाने का काम करता है। ऊपर से फिर भाग्य वगैरह की स्थिति आप देख ही रहे हैं तो जातक को सब कुछ आसानी से मिले ऐसा देखने को मिल सकता है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इस कुंडली के अंदर आप ये देख पाएंगे कि इस मंगल के साथ में केतु भी विराजित है। अब केतु का लाभ भाव में होना, मैंने यहाँ पर आपको केतु की जो वीडियो दी थी लाभ भाव की उसमें भी कहा था कि ये व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है, जीवन काल में आगे बढ़ने के योग निर्मित करता है, और इस केतु के चलते जातक अपने जीवन काल में बहुत हवाई यात्रा करता है, बहुत अधिक थोड़ा खर्चीला भी होता है, यात्रा अधिक करनी पड़ती है इस केतु के चलते ये, लेकिन ओवरऑल अच्छा रहता है। हाँ, बस इस केतु के कारण, मंगल केतु का योग है उसके कारण ये बोल सकते हैं गुप्तांगों के रोग, पाइल्स आदि होने की समस्या, पथरी होने की समस्या, ये केतु बढ़ाता है, स्किन से जुड़े रोग यहाँ पर इस केतु के चलते होते देखे गए हैं, क्योंकि ऐसा प्रभाव देखने को मिला कि केतु यहाँ पर हो तो कुंडली में बुध के फल में थोड़ी कमी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये केतु लग्नेश को कमजोर जरूर कर रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बैठा केतु व्यक्ति को जीवन काल में सब कुछ दिला देता है, अच्छे लोगों से भी जोड़ता है, प्रतिष्ठित लोगों से जोड़ता है, और स्वयं की भी चाहत बड़ी होती है, सोच बड़ी होती है, और जीवन में अच्छा नाम प्रदान करता है। बाकी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, बाकी केतु ओवरऑल ठीक है यहाँ पर। फिर आप देखिए दोनों कर्क राशि में है, कर्क राशि में पापक ग्रह होने से मानसिक चिंता, चिड़चिड़ा स्वभाव, जिद्दी स्वभाव कई बार अधिक देखने को मिल जाता है, थोड़ा फिर अन्य की बातें कम सुनना, अपने अनुसार काम करना, क्रोध करना, वैसी बातें में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर ये चंद्रमा की राशि में, और चंद्रमा स्वयं भी यहाँ आप देखेंगे नीच राशि में है, वैसे तो अंश आत्मा की स्थिति में बहुत 29 डिग्री के लगभग है जो कि परिवर्तन की ही ओर है, जिससे उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं, लेकिन एक बात है यहाँ पर कि अगर ये चंद्रमा और मंगल की स्थिति देखेंगे तो ये अवश्य एक दूसरे से परिवर्तन में है, लेकिन इस परिवर्तन से दोनों कमजोर ही होंगे, दोनों के प्रभाव में अनुकूलता नहीं आएगी, क्योंकि दोनों ही कमजोर है और एक दूसरे की राशि में कमजोर स्थिति में ग्रह बैठ जाए तो वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता। फिर जैसा मैंने कहा कि मानसिक अशांति, चिंता, चिड़चिड़ा स्वभाव, फिर जैसे आप देखेंगे तीसरे भाव में है और नीच राशि में है तो गलत संगति करवाना, गलत आदतों में डलवाना, खान पान की आदतें खराब करना, यानी कुछ गलत लत या सेवन की ओर इनको प्रेरित करना, उस तरह की बातें यहाँ पर ये चंद्रमा और मंगल की स्थिति निर्मित करती है, जो थोड़ा नेगेटिव यहाँ पर अवश्य होता है। भले ही इस कुंडली में मंगल उतना प्रमुख ग्रह नहीं बनता हो, लेकिन उसकी राशि में कोई ग्रह नीच राशि में बैठ जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, वो अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएगा, तो यहाँ पर ये बात जरूर से थोड़ी कमजोरी वाली देखी जा सकती है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देखिए इस कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव के स्वामी और सप्तम के स्वामी गुरु ही बनते हैं। गुरु अपनी राशि में है और अपनी राशि में होकर चतुर्थ भाव में जहाँ पर गुरु सबसे बढ़िया प्रभाव देते हैं, यहाँ पर ये गुरु हंस नामक महापुरुष योग का निर्माण करके बैठे हैं। ये योग जातक को जीवन काल में सभी प्रकार के सुख सुविधा दिलाने वाला होता है। जीवन में
आगे बढ़ाने के योग ये निर्मित करता है और ईमानदारी या जहाँ तक के स्वभाव में अच्छे गुण को बढ़ाने का कार्य करता है। इससे भूमि भवन वाहन का सुख तो मिलता ही है, स्वयं से भी और कई बार घर परिवार वालों की मतलब घर परिवार वालों द्वारा अर्जित जो होता है पितृक जो होता है वो भी एक गुरु दिलाने का काम करता है, क्योंकि अष्टम भाव को उससे देख रहा होता है। जरूर ये बात है कि अष्टम का जो स्वामी है नीच राशि में है तो थोड़ी प्रॉब्लम तो है यहाँ पर, मतलब पितृक संपत्ति आदि इतनी आसानी से न मिले या उसमें प्रॉब्लम रहे या उतनी अच्छी स्थिति न रहे उसकी ये बात कही जा सकती है, या ये स्वयं बाहर रहे इसलिए उतना उसका सुख न उठा पाए या उसका कोई उपयोग न कर पाए, ऐसी बात आ सकती है। बाकी ये जो गुरु का प्रभाव है यहाँ पर ये अच्छा है। वक्री है जरूर, अब वक्री गुरु क्या करते हैं कि थोड़ा सा इस लग्न में आप जानते हैं कि प्रमुख नहीं होते, इस कारण से मध्यम हो जाते हैं। हालांकि चतुर्थ में जैसा मैंने आपको कहा कि गुरु का प्रभाव अच्छा होता है, वक्री होने के बाद भी यहाँ पर ये गुरु अपने मूल त्रिकोण राशि में होकर के जीवन में आगे बढ़ाने का काम करते हैं और जीवन में अच्छा नाम सम्मान दिलाने का कार्य कर देते हैं। सप्तम के स्वामी भी है तो विवाह के बाद उन्नति तरक्की बढ़ना और जीवन साथी सपोर्ट मिलना सहयोग मिलना इस तरह की बातों को भी ये गुरु बढ़ाने का काम करते हैं, जो जातक के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जातक को अच्छा परिणाम दिलाने वाला होता है। तो ये एक मतलब एक प्रकार से बहुत बढ़िया स्थिति है जातक के लिए, जो इन्हें जीवन काल में मतलब सुखों के लिए लाभ के लिए अच्छा परिणाम देंगी। ये आंतरिक शिक्षा मतलब ऐसे व्यक्ति को देती है कब क्या करना, उसकी एक प्रेरणा व्यक्ति के मन में रहती है जो अच्छी बात है। हाँ भाई ये है कि जो चंद्रमा और मंगल का प्रभाव है मेनली यही सबसे ज़्यादा नेगेटिव या चिंता क्रिएट करने वाला है, टेंशन या व्यर्थ का तनाव देने वाली स्थिति को प्रभाव को दर्शा रहा है, तो ये थोड़ा कमजोर हो जाएगा इससे। बाकी यहाँ पर आपको जैसा मैंने अभी कहा था कि शुक्र जो है, शुक्र यहाँ पर जरूर थोड़ा कमजोर हो रहा है लेकिन गुरु की दृष्टि आ जाने से इस शुक्र के फल में पॉजिटिविटी आ जाएंगी, यानी ये शुक्र भी इतना कोई नेगेटिव नहीं हो पाएगा, सकारात्मक परिणाम को बढ़ाने का काम करेगा। तो ये अच्छी बात है कि गुरु की दृष्टि जैसे अष्टम पर है, सप्तम दशम पर है, बारहवें पर है, विजय से जोड़ सकता है, विजय से लाभ करा सकता है, अच्छा परिणाम देने के लिए मजबूत है यहाँ पर गुरु की स्थिति, तो आगे बढ़ने के लिए मतलब ये गुरु का प्रभाव अच्छा नजर आता है तो इसे शुभ ही कहा जाएगा। दूसरे नंबर पर फिर आप देखिए कि यहाँ पर कुंडली के पंचम भाव में राहु विराजित है मकर राशि के अंदर। अब मकर में राहु कोई विशेष खराब नहीं लेकिन पंचम भाव में राहु क्या करते हैं, जैसा मैंने कहा शिक्षा में रुकावट देना, बाधा उत्पन्न करना या कई बार गलत संगति करवाना और मतलब व्यक्ति को थोड़ा जिद्दी बनाने का काम कर सकते हैं, थोड़ा अपने अनुसार काम करने का स्वभाव दे सकते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है जातक की पहचान अच्छे बड़े बड़े लोगों से हो जाती है, जातक अपने जीवन काल में अच्छा नाम अर्जित कर पाता है, थोड़ा अपने आप में ध्यान देने का अपने आप में रहने का स्वभाव अधिक रह सकता है। और जैसा मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि कुंडली के मतलब जहाँ भी राहु हो उससे 9 घर आप जाएंगे आगे तो वहाँ पर जो भी भाव आएगा उस भाव से संबंधित रिश्तेदार थोड़ा क्रोधी स्वभाव का होगा। यहाँ पंचम में राहु है तो लग्न पर प्रभाव आता है, यानी जातक स्वयं क्रोधी होगा, जातक को शीघ्र क्रोध आ जाता होगा। वैसे तो राशि वृश्चिक है यहाँ पर तो क्रोध जल्दी शांत भी हो जाए लेकिन ये चूंकि बुध का लग्न है, बुध के लग्न में स्वभाव बहुत परिवर्तनशील होता है और जल्दी ही क्रोध होना जल्दी ही शांत हो जाना इस तरह की बातें सामने आती है। बाकी ये राहु के चलते भी थोड़ा जिद्दीपन या क्रोध की मात्रा बढ़ती है। हालांकि ये राहु विजय से जोड़ने के लिए अच्छा है, विजय से लाभ कराने के लिए भी अच्छा है और जीवन में एक अच्छी स्थिति विजय से जोड़कर देने के लिए सकारात्मक रहता है, तो ये बात यहाँ पर कही जा सकती है। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये राहु जो है शनि की राशि में है और शनि कुंडली के 12वें भाव में आप देख पाते हैं। अब शनि कुंडली के 12वें भाव में है पंचम के स्वामी होकर के तो थोड़े से कमजोर तो कहे जाएंगे लेकिन हाँ ये है कि ऐसे में कई बार विजय से शिक्षा करना, दूर स्थान पर जाना, दूर स्थान पर जाके काम करना, घर परिवार से थोड़ा कहीं बाहर या फिर ये बोल सकता हूँ मैं अन्य स्थान पर जाकर लाभ कमाना, इस तरह की बातों को ये शनि बढ़ाता है ऐसा कह सकते हैं। ये भी है कि ये शनि यहाँ पर कुंडली के 6ठे का भी स्वामी होता है, 6ठे भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में हो तो ये भी थोड़ा सा मतलब जो शिक्षा वगैरह में ब्रेक उत्पन्न करता है क्योंकि जो ये 6ठा भाव है कॉम्पिटिशन का एग्जाम वगैरह देने का होता है और कई बार जन्म स्थान के पास में या फिर जहाँ पर सब घर परिवार वाले रह रहे हो वहाँ पर शिक्षा में कई बार ये रुकावट दे सकता है, तो ये बात थोड़ी यहाँ कह सकते हैं। एक बात सबसे अच्छी यही है कि कुंडली में गुरु की स्थिति, बुध की स्थिति जो दो प्रमुख पिल्लर है इस कुंडली के, क्योंकि केंद्र के स्वामी है ये दोनों, तो केंद्र के स्वामियों की स्थिति बढ़िया है और जब कुंडली में केंद्र के स्वामी की स्थिति बढ़िया है तो इसका मतलब ये है कि ये जातक को एक पोटेंशियल प्रदान करता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन काल में एक अच्छी स्थिति देता है कि जातक अपने स्वयं के दम पर कुछ अच्छा बड़ा कर पाए, जीवन काल में आगे बढ़ पाए और एक अच्छा नाम कमा पाए, तो ये बात इनकी कुंडली से सामने आ रही है। अब अगर हम इनके प्रश्नों की ओर चले तो सबसे पहले करियर के लिए इनके लिए क्या ठीक रहेगा, देखा जाए तो जैसा मैंने कहा मैनेजमेंट का लग्न है ये, मैनेजमेंट करना ये प्रभाव में अच्छा आता है। वैसे तो देखो
अभी मैंने कहा कि शिक्षा के लिए थोड़े से योग कमजोर है, मतलब शिक्षा ले भी ले तो थोड़ा सा उससे अलग फील्ड में काम करना पड़े, उस फील्ड में काम ना कर पाए, तो ऐसी स्थिति में ये बोल सकता हूँ मैं शुक्र के चलते कि जातक अपना काम कर सकता है। अब चूंकि ये बात है कि यहाँ पर सप्तम का स्वामी गुरु ही है, अपनी राशि में है, लग्नेश भी बुध जैसा मैनेजमेंट वाला ग्रह है जो अपने काम के लिए प्रेरित करता है, शुक्र सूर्य भी साथ में है तो सपोर्ट के लिए प्रभाव अच्छा आ रहा है, ऐसे में व्यक्ति अपना स्वयं का काम कर सकता है। ये जरूर है कि शुरुआत में अगर किसी व्यक्ति के साथ जुड़ करके कोई अपने कार्य को सीख लेना, फिर उसमें आगे बढ़ना अधिक अच्छा रहता है, या जैसे मैंने कहा था कि हाँ शुक्र जो है घर के लोगों को या परिवार से जुड़े कार्यों को जोड़ना और उसमें पहले अनुभव प्राप्त करना, फिर अपने कार्य में और अच्छा आगे बढ़ना, ये प्रभाव यहाँ व्यक्ति के लिए जातक के लिए आ रहा है। बाकी ये तो है कि चलो जीवन में इनको अपने स्वयं के कार्य में लाभ ज्यादा है। हाँ ये भी है कि देखो 12वें भाव में अगर आप भाव बल देखोगे तो 732 ये अंक 12वें भाव में है और 413 ये अंक कुंडली के 6ठे भाव में है। 12वां भाव बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब ज्यादा एक्टिव हो तो उससे दो बातें निकल के आती है कि जातक कोशिश करे और किसी सरकारी नौकरी में जाने का प्रयास करे, या नौकरी में अच्छे उच्च पद, यानी जैसे सरकारी नौकरी में रहता है कि अच्छा पद है, कोई ऐसा सोच नहीं सकता कि इनको कोई बदलेगा या कोई इनको हटा सकता है यहाँ तक, वैसी स्थिति मतलब परमानेंट वाली स्थिति ये जो 732 अंक 12वें भाव में है ये दर्शा रहे, क्योंकि सबसे मजबूत भाव है ये। और ऐसे में व्यक्ति ये कर सकता है यहाँ पर कि अगर वो मतलब कोई नौकरी में जाना चाहे जिसमें उच्च पद प्राप्त हो तो उसके लिए प्रयास करके उसे प्राप्त कर सकता है। ये जरूर है कि मन में थोड़ी चंचलता है तो थोड़ा प्रभाव उसका कम आ रहा है, यहाँ ज्यादा प्रभाव अपने स्वयं के काम का आ रहा है और ये 12वां भाव एक्टिव होकर अपने स्वयं के कार्य के योग को मजबूत भी कर रहा है, तो यही बात यहाँ पर अधिक कही जाएगी। और फिर प्रश्न आए कि किससे जुड़ा काम, तो मैं कहूँगी देखो शुक्र का प्रभाव दशम में है, बुध का लग्न भी है, तो ऐसी स्थिति में वैसे तो कुछ भी अपना काम कुछ खाने से जुड़ा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा, विदेश से जुड़ा है, मतलब कैसे भी या तो विदेश में आकर काम कर सकते हैं वो भी ठीक रहेगा, बाकी विदेश से जुड़कर इनको लाभ अच्छा है तो दवाओं से जुड़ा काम कर सकते हैं, या विदेश से और अन्य कोई वस्तु इंपोर्ट करके फिर उसको यहाँ पर मतलब सेल करना, ट्रेडिंग वगैरह जुड़ा कोई काम करना चाहे, वैसे सब चीज़ें यहाँ पर ठीक नजर आती है, कोई खराब प्रभाव में स्थिति नजर नहीं आ रही, यहाँ पर योग मतलब उसके लिए अच्छे है। इसके बाद अगर यहाँ पर हम आगे चले तो इनकी शिक्षा के लिए पूछा है। देखिए शिक्षा तो अब राहु का प्रभाव है तो मैं कहूँ फाइनेंस में शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन कई बार वो देखने को मिला ना कि ये जो राहु का प्रभाव है और ये राहु के अलावा ये जो शुक्र का प्रभाव है ये रुकावट दर्शाता है। पंचम का स्वामी 12वें भाव में है, पंचम पर किसी भी शुक्र का प्रभाव नहीं आता, तो ये सारी स्थिति इसी बात को दर्शा रही है कि यहाँ पर थोड़ा सा जो एक प्रभाव होना चाहिए शिक्षा के लिए उसमें कमजोरी है, क्योंकि भाव भाव का स्वामी और भाव का कारक वो गुरु ले या फिर हम मतलब हाँ गुरु की स्थिति वैसे ठीक है, लेकिन भाव भावपति यहाँ पर कमजोर है, गुरु भी थोड़े वक्री हो जाने से ऊपर नीचे प्रभाव देते हैं, एक जैसा कंटिन्यू प्रभाव नहीं देते, तो कभी अच्छा कभी खराब ऐसी बात हो जाएगी, तो थोड़ा सा यहाँ पर कमजोर ही रहेगा ऐसा हम बोल सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर अगला इनका प्रश्न है कि इनको पैतृक संपत्ति मिलेंगी क्या। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर अष्टम का स्वामी तो है वो तो नीच राशि में है, दूसरे का स्वामी शुक्र जरूर अच्छा है, मतलब पितृ की स्थिति अच्छी है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अधिकतर बाहर रहे या दूर चले जाए उस तरह की बातें जिससे ये पितृ संपत्ति आदि का इतना उपयोग न कर पाए, इनको मिल तो जाए उसके पूरे योग्य, गुरु की दृष्टि आती भी यहाँ पर और गुरु शनि को भी देख रहे हैं तो मिल तो जाए, लेकिन बस समस्या इतनी है कि ये उसका उतना उपयोग नहीं कर पाएंगे, ये विदेश में रहे या विदेश में रहकर अपना कार्य करें, उस तरह की बातें इनकी कुंडली अधिक दर्शा रही है, और वहाँ अच्छा भी रहेगा इनके लिए, प्रभाव भी है शिक्षा के लिए भी और अन्य कार्यों के लिए भी, कोई स्थिति खराब नहीं नजर आती। इसके बाद इनका अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य के लिए कैसा है और मतलब मानसिक शांति के लिए कैसा है। तो देखिए स्वास्थ्य की बात करें, जैसा मैंने कहा मंगल केतु ही स्वास्थ्य को भी कमजोर दर्शाते हैं और ये मंगल केतु ही यहाँ पर रोग को भी उत्पन्न करते हैं, मानसिक अशांति कर्क राशि में होने से, चंद्रमा के नीच राशि में होने से ये मानसिक अशांति चिंता के योग को दर्शाती है। ऐसे में इन्हें अपने मन को तो शांत रखना ही है, लेकिन उसके अलावा एक काम ये करना चाहिए कि सफेद वस्तु का दान करना, मंगल केतु है तो ये कोशिश करना कि जो शारीरिक रूप से विकलांग लोग हैं उन्हें कुछ खाने की वस्तु दी जाए पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, इससे अच्छा परिणाम मिलता है, मतलब जानवरों की सहायता की जाए, मतलब जो भी मतलब अपने आसपास दिखे जरूरतमंद व्यक्ति उसको कुछ दिया जाए खाने को, ऐसे कुछ कार्य मतलब दान से जुड़े कोई कार्य से जुड़े रहेंगे उसमें कुछ खाने की वस्तु का दान लगातार करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा और परिणाम सकारात्मक मिलता रहेगा, जीवन काल में अच्छी स्थिति इससे प्राप्त होती रहेगी, तो ये काम इनको कर लेना चाहिए। बाकी इन्होंने पूछा भी है ये कि इनको मतलब कहाँ पर स्थिरता मिलेगी, कहाँ पर सेटल हो पाएंगे ये, तो मैं तो ये कहूँगा कि विदेश में अच्छे योग है इनके। देखो 12वें भाव में शनि जैसा ग्रह भले अपनी सिंह राशि में है लेकिन सूर्य भी यहाँ पर
शुक्र के साथ जो है यहाँ पर, शुक्र भले अस्त है लेकिन सूर्य यहाँ पर है। ऐसी अवस्था में वैसे तो शनि 12वें भाव में हो तो कनाडा या ऐसे ठंडे प्रदेशों में जाना अच्छा रहता है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए वगैरह में भी जा सकते हैं, उसमें भी समस्या नज़र नहीं आती। तो ये कुछ बातें यहाँ पर। यूएसए में हालांकि मतलब रिजेक्ट होना, वीजे वगैरह उसमें थोड़ा डीले लगना, उस तरह की बात आ सकती है, लेकिन शनि के प्रभाव से ये अपने स्वयं के दम पर अच्छा, मतलब विदेश में अगर कोई जैसे कनाडा वगैरह जैसे स्थान पर जाना चाहे तो वहां जाकर अपना कार्य कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, आगे चलकर व्यापार भी कर सकते हैं। उसके योग इनकी कुंडली अच्छी दर्शा रही है। फिर शेयर मार्केट के लिए कैसा रहेगा, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर पंचम में राहु थोड़ी कमजोरी दर्शा रहा है। पंचम और स्वामी 12वें में जाकर न दूसरे भाव से कनेक्टेड है, न लाभ भाव से है, न इनके स्वामी से है, तो ये भी थोड़ा कमजोर हो रहा है। ऐसे में मध्यम योग कहे जाएंगे। हाँ, ये राहु केतु का योग जो है ये व्यक्ति को प्रेरित करता है कि यहाँ यहाँ से लाभ कमाया जाए। कई बार लाभ भी होता है, आकस्मिक लाभ, क्योंकि ये केतु योग बनाता है, लेकिन वो देखने को मिला कि स्थिर योग नहीं होते, कभी लाभ कभी हानि, या थोड़ा उतार चढ़ाव जैसा प्रभाव यहाँ पर अधिक देखने को मिलता है। तो ये एक बात यहाँ पर कही जा सकती है जो थोड़ी सी इसमें कमजोर है, थोड़ा सा कमजोर असर देने वाली है। बाकी सारे योग अच्छे हैं। इस कुंडली में ये बोल सकते हैं कि इस कुंडली के आधार पर यहाँ इन्हें बुध का रत्न जो नवम भाव में है, ये इनकी शिक्षा के लिए भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा, और ये केतु और यहाँ पर जो मंगल की स्थिति है 12वें लाभ भाव में, उसको भी अनुकूल करेगा। तो एक काम तो ये किया जाए। दूसरे नंबर पर यहाँ पर जैसा मैंने दान करने को कहा, वो काम से काम जोड़ करके रखे। इनको गले में चांदी की चेन पहनाए। आलस, लापरवाही थोड़ी हो सकती है, दशा भी शुक्र की, अभी तो शुक्र में राहु है। शुक्र में राहु देखा जाए तो वैसे तो एक छठे आठवें में है, ये भी मतलब शिक्षा में अधिक रुकावटों को जन्म देता है, स्वास्थ्य में परेशानी को उत्पन्न करता है, थोड़ा मतलब मिला जुला समय रहता है ये भी। लेकिन इतना बोल सकता हूँ मैं कि ये अपने जीवन काल में मतलब शुक्र में मतलब राहु के बाद गुरु लगेगा, गुरु शनि, ये जो स्थितियाँ है थोड़ी अभी से तो बहुत अच्छी है, गुरु विशेषकर ज़्यादा अच्छा नजर आता है, यानी योग ठीक है। और दशा शुक्र की क्या है ना, इस कुंडली में कारक होती है, इसलिए अच्छा परिणाम देने की स्थिति में ज़्यादा है। भाई इतनी कोशिश कीजिए कि इस कुंडली का और अच्छा परिणाम लेने के लिए जो उपाय बताए वो करे, ये अगर अपनी डेली रूटीन सही बना ले। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि शनि जो है, जो इस कुंडली के मेन ग्रह है, वो 12वें भाव में सूर्य की राशि में है, तो अपनी दिनचर्या सही बना लेंगे, समय से रात्रि को शयन करना, समय से सुबह उठना, सूर्य को अर्घ आदि देना, इस तरह के कार्यों को अपने जीवन में जोड़ लेंगे, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इनको जो परिणाम मिलेगा बहुत अच्छा मिल पाएगा। तो ये बात का यहाँ पर अगर ये ध्यान रख लेते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कुछ इनके प्रश्न थे और ये कुछ इनकी कुंडली का अध्ययन था। बाकी प्रिय दर्शकों, अगर आप इनके विषय में कुछ बताना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। वैसे इनकी दशाएं आगे जो भी आ रही है, सपोर्ट दे रही है और विदेश से जोड़ रही है। बाकी आप कुछ अलग देख पाए हो तो आप अवश्य बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।